गाइस बहुत ज्यादा पेन होता है वैक्स से, और अंडर आर्म्स अकेले कर भी नहीं सकते हम, अंडर आर्म्स को हम अकेले कर भी नहीं सकते हैं, किसी की हेल्प की जरूरत होती है। बट रेजर से हम खुद की अंडर आर्म्स कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए, या तो एलोवेरा जेल ले लेंगे, या फिर कोकोनट ऑयल ले लेंगे, कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। अगर दोनों में से आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कोई भी क्रीम लगा सकते हैं। ये देखिए मेरे पास पॉन्ड्स की क्रीम है, मतलब कोई भी क्रीम हो, कोई भी कंपनी की भी हो, क्रीम हो, मॉइस्चराइजर हो, जो भी हो आप लगा सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा आसान होता है अंडर आर्म्स को वैक्स करना। तो गाइज ये देखिए मैं शुरू करती हूँ फटाफट से। थोड़ा सा जेल ले लेंगे हाथ में और लगाएंगे अंडर आर्म्स में। ये देखिए गाइस, जब हम वैक्स से अंडर आर्म्स करते हैं तो उसमें लगाते हैं पाउडर, उसकी चिकनाई को, मॉइस्चर को हटाते हैं, बट इसमें हमें ये मॉइस्चर ही लगाना पड़ता है। और ये देखिए गाइस, अपोजिट साइड चलाएंगे इसको। और ये वाला इरेजर है, इसमें मतलब अंडर आर्म्स कटने छिलने का कोई भी डर नहीं रहता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाते हैं। अभी देखिए जो मोटे मोटे हो गए हैं, इसको पहले निकाल देंगे हम। ये देखिए गाइज मेरे जो बाल हैं उनकी साइड एक ही साइड नहीं है, इधर उधर है, कि थोड़े से बालों की साइड इधर है, थोड़े से की राइट है, थोड़े से की लेफ्ट है, थोड़े से की अप है, थोड़े से की डाउन है, मतलब एक साइड नहीं है, तो अच्छे से मैं समझ नहीं पाती हूँ। तो हर तरफ मुझे रेजर फेरना पड़ता है। तो गाइज ये देखिए अच्छी तरह से साफ हो गए हैं। थोड़ा सा पाउडर लगा लेंगे। ये देखिए गाइस, और इससे जो जेल का मॉइस्चर था वो हट गया पाउडर से। ये देखिए गाइस बिल्कुल साफ हो गए हैं। और इसी तरह से आप रेजर से अंडर आर्म्स कर सकते हैं। इसको यूज करने का तरीका भी देखा होगा आपने, कितना आसान है, कितना इजी है। तो गाइज इसी तरह से आप अंडर आर्म्स अपने कर सकते हैं क्लीन, बिना पार्लर जाए, घर पर ही। तो गाइज मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।